हेलो दोस्तों, क्वेश्चन आप सामने देखिए। एसएससी रीजनिंग क्वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत वाला क्वेश्चन है। देखिए, राम को अपने वेतन में 20% की वृद्धि होती है तथा तो बढ़े हुए वेतन 20% की कमी हो जाती है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी? ऑप्शन आप सामने, न तो लाभ हुआ न हानि, 10% लाभ, 4% की हानि, 4% लाभ। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, देखो दस बराबर मात्रा में वृद्धि हो और बराबर मात्रा में हानि हो तो कुछ नहीं करना। शॉर्टकट ट्रिक है, देखिए जो उभयनिष्ठ वृद्धि या लाभ होता हानि होती है उसके बटा 100 का स्क्वायर कर दें बस। यानी दोनों स्थिति में उसको क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है दोस्तों? हानि होती है। अब देखते हैं इसका स्क्वायर करें तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। और यहाँ 10 का स्क्वायर, 10/10 होगा तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। 2 सिफर 2 सिफर कट के बराबर 4% की उसको हानि होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? बी ऑप्शन राइट आंसर हो रहा कि 4% को उसको हानि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजू को किसी परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करने थे, उसे 24% अंक मिले और वह नौ अंकों से फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक कितना है? ये चार ऑप्शन आप सामने देखिए, 80, 75, 90, 110। दोस्तों ऐसे सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे? उसको कितने प्राप्त करने थे? 36%। 36% उसे प्राप्त करने थे, उसे कितने मिले? 24% मिले। अगर उसको ये 9 अंक और मिल जाते तो उसके 36% अंक हो जाते, ठीक है ना? 9 अंक और मिल जाते उसके 36% अंक हो जाते। तो दोस्तों देखने इनका जो परसेंट है उसमें कितना डिफरेंस रहा ये देख लेते हैं। 36 और 24 यानी कि 12% का उसके डिफरेंस रहा, और ये डिफरेंस कितने अंकों बराबर है? 9 अंक के बराबर है। बस ये ध्यान रखना है। तो अपनों को 100% का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पूर्णांक निकालना है 100% में तो 9/12 × 100/1। अब 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 4 12, 4 से काटेंगे, 4 2 8, 4 5 20, 25 3 75 यानी कि 75। कुल पूर्णांक कितना होगा अपना? 75 हो जाएगा, है ना? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिले और वह 5,580 मतों से चुनाव हार जाता है, इतनों से चुनाव हार जाता है, कुल मत कितने पड़े? 20,000, 30,000, 31,000, 35,000। तो ये दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आया तो अपने आप में वो होते हैं 100% होते हैं। कितने होते हैं? 100% होते हैं। कुल मत अपने आप में कितने होते हैं? 100% होते हैं। अब यह कह रहा है कि हारने वाले, तो हारने वाले मत उम्मीदवार को कितने मिले? 41%, 41%। और जब एक हारने वाला है तो दूसरा कौन है? जीतने वाला है, तो इसको कितने मिले? अब जिससे इसको तो 41% मिले, तो बाकी बचे वो इसको मिले 100 में से, तो इसको मिले 59%, ठीक है ना? 59 और 41 100% होते हैं। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि ये वाला जो है ये 5,580 मतों से हार गया, इन दोनों के बीच में इतना अंतर रहा, इन दोनों के बीच में इतना अंतर रहा, इतने इसको ज़्यादा मिले, तो इससे इसको इन दोनों के बीच में इतना अंतर रहा, मतलब इतने अंतर का ज़्यादा मिला, इसको ज़्यादा मिले, तो इनके परसेंटेज में कितना अंतर रहा वो देख लेते हैं, है ना? परसेंटेज में कितना अंतर रहा? तो 9 में से 1 गया तो 8 बचे, 5 में से 1 गया 4 गया तो 1 बचे, 18% उसको इसको अधिक मिले और ये 18% इसके बराबर है।
तो दोस्तों देखने वाली बात है कि 100% का मान कितना होगा, तो 5580/18 × 100/1, 18 से काटा, 18 × 5 = 18, 3 = 54, 1 = 18, 18 × 18 = 0 और 2 0 और लग जाएगी यहाँ पे, तो 31 0 थे ही सही, 2 0 और लग गई, यानी कि 31,000 कितने वोट मिले उसको, 31,000। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने वेद मतों का 55% अंक प्राप्त किया, वेद मत का कुल वेद अवैध मत कितने हो गए, 20% अवैध हो गए और कुल मत थे 7,500, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किया। अब देखो यहाँ पे कुल मत यहाँ पे दे रखा उसने, कुल मत है 7,500 दे रखा, ठीक है। अब इसमें अवैध हो गए, तो अवैध कितने हो गए, 20% तो अवैध हो गए, मतलब जो किसी के काम के नहीं रहे, है ना, तो 20% अवैध हो गए, तो इसको देखते हैं कि वेद कितने रहे, अवैध मत कितने, अवैध मत है ना, 20% अवैध हो गए, तो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्ती पकड़ गई, 75 × 150, 1500 मत अवैध हो गए, क्या हो गए, अवैध हो गए, 1500 मत अवैध हो गए, तो वेद मत कितने, ये तो अवैध हो गए, तो वेद मत निकालना पड़ेगा अपनों को, तो 7,500 - 1500 घटा देंगे तो कितने आएंगे, ये आएंगे अपने 6,000। अब 6,000 मत वेद मत हो गए, कितने हो गए, ये वेद मत हो गए। अब कह रहा है कि वेद मतों का 55% उसने प्राप्त किया, तो देखो 6,000 × 55/100, 2 0 से 2 0 पकड़ गई, और ये शून्य तो पहले लगा दो, 6 × 5 = 6 × 5 = 30, किसी पर आंसर है 3 × 6 = 30, 3 × 3 = 33, इतना तो उसको जीतने वालों को मिले, ठीक है, तो हारने वालों को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले, इतने तो उसको मिले, तो हारने वाले को 6,000 - 3,300, तो उसको मिले 2700 वोट मिले, हारने वाले को कितने मिले, 2700 वोट मिले दूसरे व्यक्ति को, तो अपना सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।